हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक के बारे में। यानी आज की जो वीडियो होने वाली है वो पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 3 में के बारे में होने वाली है। यहाँ पे आज में हम बात करने वाले हैं जो मिलिंग कटर्स होता है वो कितने टाइप्स की वर्किंग करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि मिलिंग कटर्स की विधि कितने टाइप्स की होती है, ये टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो कहने का मतलब हुआ गाइस, आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो ये टॉपिक होने वाला है वो एग्ज़ाम के बेसिस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, मेथड्स ऑफ मिलिंग। अब यहाँ पे गाइस हम इसको देखेंगे यहाँ पे कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि अगर आप पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में है तो आपको यहाँ पे कुछ मिनिमम प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स भी अवेलेबल करवा दी गई है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की अगर PDF लेना चाहता है तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आपको एक सब्जेक्ट की जो मिनिमम प्राइस है वो ओनली 39 रुपीज़ है। कितना गाइस? ओनली 39 रुपीज़ में अपना आप एक सब्जेक्ट की PDF ले सकते हैं। बाकी अगर और भी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो उसका भी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओनली सारे सब्जेक्ट की जो PDF है वो एक सब्जेक्ट की PDF ओनली 39 रुपीज़, और सभी सब्जेक्ट की प्राइस सेम है गाइस, आपको मैं बता दूं। तो चलिए देखते हैं, आपको जो भी स्टूडेंट लेना है तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक हमारे होने वाला है मैथड्स ऑफ मिलिंग। जो मिलिंग्स की विधि होती है वो मुख्य रूप से कितने टाइप्स की पाई जाती है? आपकी दो टाइप्स की पाई जाती है। कितने टाइप्स की पाई जाती है गाइस? आपकी दो टाइप्स की पाई जाती है। चलिए देखते हैं, तो पहला वहीं पे आता है हमारा एक सिलेंड्रिकल मिलिंग आता है और दूसरा हमारा आता है एंड मिलिंग, यानी एंड मिलिंग या फिर जिसे बोल सकते हैं एंड मिलिंग बोला जा सकता है। ये दो टाइप्स के पाए जाते हैं, जिसे बोला जा सकता है यहाँ पे एक हॉर्जेंटल और एक वर्टिकल टाइप में वर्किंग करता है। यहाँ पे दो आपका जो सिलेंड्रिकल टाइप से होता है वो आपका कुछ बेलनाकार टाइप से पाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ यहाँ पे जो इसका वर्किंग होता है वो बेलन टाइप के अकॉर्डिंग कार्य करता है। इसको मैं फिगर के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं इसको डिफिनेशन के माध्यम से। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि इस विधि के अनुसार कटर को घुमाव अक्ष पर कारखंड की मशीनित सतह दोनों समांतर होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो वर्किंग कारखंड और ये टूल है वो दोनों हमारा किस तरह से होता है? समांतर टाइप में होता है। किस तरह से गाइस होता है? हमारा समांतर टाइप में होता है। जो इसकी वर्किंग होती है कारखंड हमारा फिक्स कर देता है और फिक्स करने के बाद टूल के समांतर टाइप में इसके ऑपरेशन करते हैं। आगे बात किया जाए, कटर सिलेंड्रिकल कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब वो किस तरह से होता है? एक सिलेंड्रिकल यानी एक बेलना टाइप में होता है। आगे बात करें, तथा धातु चिप्स के परिधि पर बने दांतों की सहायता से काटता है। मीन्स यहाँ पे जो कटर हो गया वो सिलेंड्रिकल टाइप में हो गया। अब सिलेंड्रिकल टाइप में होने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ दांते बने होंगे, तभी तो हमारा कारखंड पर अनावश्यक पार्ट को हटा सकता है। तो वो क्या करता है, सिलेंड्रिकल टाइप हमारा समांतर टाइप में क्या किया जाता है? ऊपर रख दिया जाता है, और रख करने के बाद उसकी जो स्पीड देते हैं, स्पीड हमारा क्या करता है, कारखंड के अपने दांतों के अकॉर्डिंग उससे अनावश्यक पार्ट को रिमूव करता है यानी हटाता है। आगे बात किया जाए, इस विधि में कटे हुए चिप्स के आकार होते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ
चिप्स का भी आकार होता है, इसे बेलनाकार विधि भी कहते हैं। सिलेंड्रिकल मिलिंग मिलिंग को हम क्या करते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो बेलनाकार विधि के नाम से भी जानते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेलनाकार मिलिंग क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि उसे सिलेंड्रिकल मिलिंग के बारे में ही आपको बताना है। तो आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फिगर आपको फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा वर्क पीस है, मींस कारखंड है। कारखंड के ऊपर हमारा जो टूल दिखाया गया है, टूल को किस तरह से, मतलब यहाँ पे अगर हमारा कारखंड फिक्स किया गया है तो उसकी स्पीड दो प्रकार से हो सकती है, एक क्लॉकवाइज हो सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। मींस कहने का मतलब है एक अप मिलिंग हो सकती है, एक डाउन मिलिंग हो सकती है। अप मिलिंग मतलब ऊपर की ओर काटेगा, जो उसकी टुकड़े रहेंगे, जो उसकी चिप्स रहेंगे वो ऊपर की तरफ, और डाउन में क्या होता है, नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर काटता जाता है। इसके भी बारे में हम देखेंगे। आपको सिलेंड्रिकल टाइप में जो वर्क मिलिंग होती है वो किस तरह से होती है गाइस, आपका वर्कपीस के ऊपर हम क्या करते हैं, टूल को रख दिया जाता है। रखने के बाद टूल पे क्या किया जाता है, हमें स्पीड दी जाती है, और स्पीड देने के बाद जो है यहाँ पे आपके दांते दिख रहे हैं, क्या होते हैं, ये नोके हैं। नोकों के अकॉर्डिंग हमारे कारखंड पर ऑपरेशन होता है, यानी अनावश्यक पार्ट को रिमूव करता है। चलिए देखते हैं गाइस, आपको नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा टॉपिक की बात किया जाए, हमारा आता है एंड मिलिंग, यानी एंड मिलिंग क्या होता है, सिरा या फिर एंड मिलिंग क्या होता है, इसको देखेंगे। तो इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, इस विधि के अंतर्गत कटर की घुमाव अक्ष तथा कारखंड को मशीनित सतह परस्पर लंब रूप होता है। मीन्स जो इसका वर्किंग होता है वो हमारा क्या होता है, लंबवत होता है, उसमें आपका क्या होता है, समांतर टाइप में होता है, बल्कि कारखंड और टूल का जो बेसिस होता है वो क्या होता है, कारखंड के बेसिस पे ये लंबवत टूल कार्य करता है। आगे बात किया जाए, इसमें कटर अपनी परिध पर सिरे पर बने हुए दोनों ही प्रकार के दांते द्वारा कटाई करते हैं, और परिध वाले दांते अधिक कटाई करते हैं, जबकि सिरे के दांतों पर सूक्ष्म कटाई की जाती है, और जिसके फलस्वरूप फिनिश प्राप्त सतह प्राप्त होती है। इस विधि के कटे चिप्स को मोटाई एक सी होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो यहाँ पे सिरा एंड मिलिंग हो गई, मिलिंग आपका हमारा किस तरह से होती है, ये भी बेलनाकार का टाइप का पाया जाता है, बेलनाकार का ही टाइप का पाया जाता है, बल्कि जो इसका वर्किंग होता है, वर्किंग करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा लंबवत होता है। किस तरह से होता है गाइस, आपका लंबवत होता है। अब इसमें दोनों सिरे पे दांते बने हुए होते हैं, यानी नोके बने होते हैं। अभी हमें जिस तरह से हमें ऑपरेशन करना है, छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, तो उनके एक छोटे साइज का नोके बनाई जाती हैं, दूसरे साइड में हमारा बड़े साइज का बनाया जाता है। तो जिस तरह से हमें ऑपरेशन करना होता है, उसी साइड को हम क्या करते हैं, मशीन में फीड कर देते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ, टाइट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद उस पर ऑपरेशन हम करते हैं आसानी से। तो वही बताया गया गाइस यहाँ पे आपको, अगर इसमें क्या होता है, दोनों टाइप के नोके बने होते हैं, मीन्स कहने का मतलब जो इसका वर्किंग होता है दोनों तरीके से कर सकते हैं आसानी से। सपोज दैट आपको यहाँ पे फिगर दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे आपका एक कारखंड दिखाया है। कारखंड में किसी प्रकार के कोने वगैरह यानी कॉर्नर वगैरह को बनाना होता है, तो हम कौन से मिलिंग का प्रयोग करते हैं, एंड मिलिंग का प्रयोग किया जाता है। आपका ये वर्किंग है, वर्कपीस है, वर्कपीस के क्या है, हमारा लंबवत है, लंबवत दिखाया गया, और इसका जो हमारा घूर्णन गच्छ है, मीन्स कहने का मतलब स्पीड है, वो हमारा क्या है, आपका क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप्स का भी पाया जाता है, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया। आई होप कि आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो सिलेंड्रिकल मिलिंग और एंड मिलिंग का जो वर्किंग होता है, आपका क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर जैसे कि मैंने बोला अप मिलिंग या फिर डाउन मिलिंग क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अप मिलिंग क्या होता है। अप मिलिंग को हम देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से, तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है इसको देखेंगे। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम चिप्स कारखंड के पतले भाग पर कार्यकर्ता काटता है, और कटाई के अंतर्गत कटर को प्रत्येक दांते धातु में प्रविष्ट
पतले हुए इनकी मशीनी सतह पर फिसलता है, इस कारण घर्षण अधिक होता है और इस विधि के अंतर्गत कटर कारखंड को उठाने की प्रवृत्ति रखता है। मीन्स जो अप मिलिंग होता है, अप मिलिंग में क्या प्रोसेस पाया जाता है, अगर हमारा कारखंड को आसानी से यानी कहने का मतलब है सही तरीके से नहीं फिक्स किए रहते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम टूल के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन क्या होता है, हमारा जो टूल होता है वो कारखंड को उठाने की कोशिश करता है। क्या करता है गाइस, उठाने की कोशिश करता है। कैसे क्या करता है, क्योंकि जो उसका चिप्स है यानी कहने का मतलब आवश्यक पार्ट को उठा रहा काट रहा है, वो ऊपर की सतह से काट रहा है। किस तरह से काट रहा है, वो ऊपर की सतह से काट रहा है। तो इसमें क्या होता है, अगर कारखंड को आसानी से नहीं फिक्स करते हैं, मीन्स कहने का मतलब सही तरीके से नहीं फिक्स किए रहते हैं तो कारखंड को उठाने की प्रोसेस करता है। सपोज दैट आपको यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अप मिलिंग आपका कुछ इस टाइप से पाया जाता है। ये हमारा वर्क पीस दिखाया गया है। अब वर्क पीस के ऊपर हमारा क्या किया जाता है, टूल को फिक्स कर दिया गया है। और टूल को फिक्स हमारा किस तरह से हो रहा है, मतलब जो वर्किंग हो रहा है वो ऊपर की तरह से हो रहा है, मींस पीछे की तरह से हमारा चिकना कर रहा है, और जो आगे की तरह है, आगे पार्ट है, आगे को रिमूव करते हुए पिछली सतहों से हमारा गुजरता है। तो वही बात किया जाए, जो इसके नोके हो गए, नोके हमारा क्या है ऊपर की ओर जाएंगी, तो कारखंड को भी उठाने की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो यही प्रोसेस होता है हमारा अप मिलिंग। यानी ऊपर की तरफ अगर हमारा कारखंड चिप्स को ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो वो वर्क पीस यानी वो विधि हमारा क्या कहलाती है, अप मिलिंग कहलाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की बात कर जाए। दूसरा टॉपिक हमारा आता है डाउन मिलिंग क्या होती है। अब डाउन मिलिंग को देखेंगे, डाउन मिलिंग हमारा क्या होता है, इसको डिफिनेशन के माध्यम से, तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि इस विधि में कारखंड की फीड दिशा कटर की घुमाव दिशा में होती है। इस प्रकार क्रिया के अंतर्गत कारखंड मशीन टेबल पर दबा रहता है, इसलिए यह विधि पतले कारखंड पर मशीनित करने के लिए सुविधाजनक होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो अप मिलिंग होती है वो भारी वर्क पीस पर कार्य करने के लिए यूज की जाती है, बल्कि जो डाउन मिलिंग होती है वो पतले यानी छोटे वर्क पीस पर काम करने के लिए उपयोग की जाती है। सपोज दैट आप देखे होंगे डाउन मिलिंग आपको छोटे वर्क पीस में देखा जाएगा, जो उसकी नोके हो गई वो नीचे की ओर दबाती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ जो कटर हो गया, कटर हमारा किस तरह से ऑपरेशन करता है, नीचे सतहों पर उसको कारखंड को और नीचे दबाता है। क्या करता है गाइस, उसको दबाने के वजह से हमारा वर्क पीस पर अनावश्यक पार्ट को रिमूव करते हैं। सपोज दैट आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से, आपको ये हमारा कारखंड हो गया। अब ये क्या होता है, अगली सतहों पर हमारा चिकना किया गया और पिछली सतहों को वो काटता रहता है धीरे धीरे काटता रहता है। मीन्स कहने का मतलब है कुछ हमारा इस टाइप से। अब जो इसकी चिप्स गिरेंगी हमारी नीचे सतहों पर गिरेगी, और इसकी जो चिप्स गिरेगी वो हमारी ऊपर सतहों पर गिरेगी, तो ये क्या करेगा, कारखंड को भी प्रेस करेगा, मीन्स मतलब हुआ दबाएगा। तो यही प्रोसेस होता हमारा डाउन मिलिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कारखंड को बांधने की युक्ति, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं उसको कारखंड को कितने टाइप्स के हमें बांधा जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको देखेंगे हमारा ये निम्नलिखित टाइप्स के बांधे जा सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है टी बोल्ट के माध्यम से, यानी कारखंड का हमारा कुछ इस टाइप से होता है। इस टाइप से मैं कहने का मतलब है हमारा कारखंड को फिक्स कर देता है और टॉप का कुछ इस टाइप से एब्जॉर्ब से मतलब नट के माध्यम से टाइट कर देता है, ये टी बोल्ट होता है। नेक्स्ट बात कर जाए ब्लॉक के माध्यम से, यानी कहने का मतलब वो एक राउंड के बेसिस पे होता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक करने के बाद हम उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर जाए पिन या स्प्लिट के माध्यम से, स्टॉप के माध्यम से कारखंड को किसी अकॉर्डिंग से बांध करके भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। फन्नी के अकॉर्डिंग यानी कहने का मतलब वही प्रोसेस होता है गया। बी ब्लॉक के अकॉर्डिंग, बी ब्लॉक आपका कुछ इस टाइप्स के पाया जाता है, यहाँ पे आपका यहाँ पे कारखंड को फिक्स कर दिया जाए और फिक्स करने के बाद उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। कोण प्लेट, किसी एंगल के बेसिस पर उस कारखंड को बांधा जा सकता है। नेक्स्ट बात की जाए क्लैंप के अकॉर्डिंग, क्लैंप हमारा कुछ इस टाइप्स का पाया जाता है, कारखंड को फिक्स कर देता है और फिक्स करने के बाद क्या किया जाता है, इन दोनों क्लैंपों को क्या किया जाता है, कारखंड के बेसिस पे टाइट कर दिया जाता है, तब भी हम ऑपरेशन कर मतलब उसको पकड़ा जा सकता है। जैक के माध्यम से, सपोज दैट आप देखे होंगे क्रेन वगैरह में क्या होता है, किसी भी कारखंड को उठाना होता है तो जैक के माध्यम से उसे टाइट कर देते हैं, टाइट करने के बाद तब उसे उठाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए वाईसी के माध्यम से,
वाईसी भी हमारा जैक के माध्यम से होता है। और फिक्चर्स, सपोज दैट आपको फिक्चर्स मैंने दिखाया होगा किसी भी कंपनी वगैरह या फिर इंडस्ट्री वगैरह में देखे होंगे, कारखंड को रखने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फिक्चर्स, यानी कारखंड को बांधने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है तो फिक्चर्स का यूज़ किया जाता है, जिग्स और फिक्चर्स। जिग्स हमारा क्या करता है, टूल को भी दिशा निर्देश करता है, बल्कि जो फिक्चर्स होता है वो हमारा केवल कारखंड को पकड़ने के लिए ही कार्य किया जाता है। पिक्चर्स हमारा कारखंड के बेसिस पे होता है, मीन्स कहने मतलब जिस तरह से हमारा कारखंड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा पिक्चर्स भी बनाया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इस सारे टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर, चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।